गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1। अब पढ़ेंगे हम सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। विभाज्यता की जांच के नियमों से ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य और कौन सी 8 से। इसके लिए हम कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं, चाहे ए ले लें चाहे बी ले लें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बी लेके बताती हूँ, क्योंकि बी में बड़ी संख्या है ना। तो सबसे पहले देखिए आप बी में कि 4 से विभाज्यता के लिए होता है कि इकाई और दहाई दो अंक ले लो, और इकाई और दहाई दो अंक ओनली। दो अंक का मतलब हो गया कि सिर्फ, जैसे क्वेश्चन नंबर ए में सिर्फ 72, बी में 5 और 2, सी में 0 0, डी में 0 0, ई में 59, ऐसे ही अगले में 60, अगले में 84, फिर 72, और उससे अगले में 0 0, और फिर 50। इन सब में 4 का भाग देखे, देखो इन सब में जो भी 4 में, जिसका में 4 का भाग चला जाता है वो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। और अगले में देखो तीन तीन अंक देखो, यानी तीन अंक के लिए देखो आप इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें भी इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 0 0 5, इसमें भी इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3 0, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 159, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 560, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा यानी 084, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा यानी 072, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा यानी 700, इसका इकाई दहाई सैकड़ा क्या होगा 150, यानी 3 अंक। इनमें 8 का भाग देके देखो, जिसमें पूरा भाग चला जाए वो संख्या 8 से भाज्य होगी, और जिसमें नहीं गया वो 8 से भाज्य नहीं होगी। अब देखो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। फर्स्ट वाला देखो 572, इकाई और दहाई दो अंक देखे 4 के लिए, तो इकाई और दहाई से बने हुए संख्या हो गई 72। 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 3 बचा 2 13, 4 8 32, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये 4 से भाज्य है, 4 से क्या हो गई ये 4 से भाज्य है। आप अगला देखें जरा 8 से भाज्यता के लिए, तो देखिए वापस से 572, क्या बोला था 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों में तीनों को मिला के दे दो, यानी केवल तीन ही देखने, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो केवल इकाई दहाई और सैकड़ा वाली संख्या देखनी है। 5 7 2, 8 का भाग दिया, 8 7 56, 1 बचा 2 14, तो 8 एकम 8, कितना बचा 4, यानी शेषफल बच रहा है। इसका मतलब है ये 8 से भाज्य नहीं, 8 से भाज्य है क्या ये, नहीं जा रहा ना, तो 8 से भाज्य नहीं है। अब इसी तरह से आपको बाकी के सारे क्वेश्चन भी करने हैं इसी के अंदर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये पूरा करना है इसी तरह से, पहले 4 का फिर 8 का, और आपको कॉपी में करके मुझे सेंड करना है। थैंक यू बच्चों।